अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ तुलाबा, मैं कारी सईद टीचर इस्लामियात इख्तियारी 9th क्लास। अज़ीज़ तुलाबा, हमने तालीमात इस्लामी में से तीसरा चैप्टर तहारत व पकीज़गी वो हम पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ तुलाबा, उसमें तहारत की 5 किस्में बयान की गई हैं। कल वाले लेक्चर में हमने चौथी किस्म पढ़ी थी, आज हम 5वीं किस्म पढ़ रहे हैं, तहारत मकान। ये एक वसी मफहूम रखता है। इससे अव्वलन तो ये मुराद है कि जिस जगह एक मुसलमान नमाज अदा कर रहा है वो जगह हर किस्म की गलाजत से पाक हो। गलाजत गंदगी को कहते हैं। बेहतर ये है कि मस्जिद हो। अगर मस्जिद के अलावा किसी और जगह नमाज पढ़ रहा हो तो उस जगह के पाक होने का यकीन कर ले और फिर अल्लाह की नमाज अदा करें। दूसरे नंबर पर तहारत मकान से मुराद उस जगह का पाक होना है जहां इंसान रह रहा है, यानी घर की सफाई, महल्ले की सफाई वगैरह। तीसरे नंबर पर जिस दफ्तर, कारखाना, स्कूल, कॉलेज में इंसान काम करता है या पढ़ता है उसकी सफाई का ख्याल रखे। चौथे नंबर पर जिस गांव या जिस शहर में इंसान रहायश पज़ीर है उसे भी पाक साफ रखने की कोशिश करे। पांचवें नंबर पर वो मुल्क जिसका इंसान बशिंदा है उसकी सफाई में भी हर मुमकिन तआवुन करे। और छठे नंबर पर पूरी कायनात को तमाम इंसानों के रहने का मकान है, अपने किसी अमल से गलीज नापाक ना करे और हर किस्म की तहारत का एहतमाम करते हुए ज़िंदगी गुजारे। तहारत फ़िक्र, तहारत अखलाक, तहारत जिस्म, तहारत लबास, तहारत मकान के तकाज़ों को पूरा करे। ये तहारत की 5 किस्में बयान कर देंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए फ़रमाया है, इन्नल्लाह युहिब्बुत्तवाबीन व युहिब्बुल्मुतत्ताहिरीन। ये अल-बकरा सूरतुल बकरा की आयत है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और हर किस्म की तहारत का एहतमाम करने वालों को पसंद करता है। अज़ीज़ तुलबा, ये 5वीं तहारत मकान की किस्म। इससे पहले हमने 4 पढ़ ली हैं, जिसमें सबसे पहले तहारत फ़िक्र है और फिर तहारत अखलाक है, तहारत जिस्म है, तहारत लबास है और आज हमने तहारत मकान पढ़ी। अज़ीज़ तुलबा, आज इसको आप अच्छे तरीके से ज़ेहन नशीन करें, याद करें। आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व